फ्रेंड्स, माय नेम इज गौरव प्रजापत। सिकंडिया एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और ट्रिग्नोमेट्री का जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को हम आज पढ़ने वाले हैं। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में सीखा था कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती क्या है, उसके अंदर जो बेसिक जो हमारे फॉर्मूले हैं वो हमने सीखे कि वो फॉर्मूले कैसे आए हैं और किस तरह हमें उसको यूज करना है। उससे पहले हमने ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग की थी, जहां पर हमने टेबल का यूज किया था। हमने इसके साथ साथ 6 फॉर्मूले याद किए थे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से रिलेटेड, और उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ा और उसके जो रिलेटेड फॉर्मूले हैं उन सबको सॉल्व किया था। और आज जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का है वो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, मतलब त्रिकोणमिति की सर्व समीकाएं। त्रिकोणमिति की जो सर्व समीकाएं हैं इसमें से 100% एक क्वेश्चन आने वाला है। जो क्वेश्चन आएगा तो वो 5 to 6 मार्क्स का आएगा। इसका मतलब ये जो टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 5 से 6 नंबर बहुत ज्यादा मायने करते हैं हमारे एग्जाम के लिए। तो ये जो 5 से 6 नंबर है ना, इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगता है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन जो आज मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा उसके बाद आपके सामने इससे रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन हो, चाहे वो डिफिकल्ट हो चाहे वो हार्ड हो, आप उसको बहुत ज्यादा इजीली सॉल्व कर पाएंगे। यस, मैं आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे पॉइंट बताने वाला हूं जिससे आप इसको बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। इसके साथ साथ मैंने इससे पहले वाले लेक्चर्स में इससे ही रिलेटेड कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे, तो एक बार उन फॉर्मूलों को क्विकली रिविजन कर लेते हैं। और उनमें से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बताए थे जो हमारे लिए फ्रिक्वेंटली यूज होने वाले हैं, बहुत ज्यादा जगह यूज होने वाले, जो छोटी छोटी हम जो स्टार्टिंग करेंगे, जो मैंने की पॉइंट बना रखे हैं उनमें भी वो फॉर्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेंगे। तो देखते हैं वो एक बार फॉर्मूले क्या है, क्योंकि बार बार जब हम फॉर्मूले लिखेंगे तो हमें बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और वो फॉर्मूले भी आपको याद करने नहीं है, क्योंकि मैंने वो जो फॉर्मूला है कैसे बनता है वो मैंने आपको सिखाया है कि वो फॉर्मूले कैसे क्रिएट होते हैं। तो आप यदि एग्जाम में भूल भी जाएं उन फॉर्मूलों को तो आप फटाफट उनको क्रिएट कर सकते हो, मतलब उनको बना सकते हो आप उनको फटाफट। कैसे बना सकते हो? आपको राइमिंग से, जो मैंने आपको राइमिंग याद करवाई थी उसी राइमिंग से आप उसके फॉर्मूले ये बना सकते हो। तो चलते हैं हमारे जो पहला फॉर्मूला, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मैंने बताया था और इसके ऊपर स्टार मार्क लगाया था, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को सॉल्व करेंगे, मतलब त्रिकोणमिति असमीकरणों को सॉल्व करेंगे ना, तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो यूज़ करेगा वो यही है। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, tan θ = sin θ upon cos θ। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका जो रिवर्स फॉर्मूला कहूँ मैं, इसका रिवर्स फॉर्मूला देखिए क्या फॉर्मूला है, cot θ का हमने क्या फॉर्मूला बनाया था, cos θ upon sin θ। क्लियर आप सभी को? और इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला हमने बनाया था, इससे रिलेटेड एक और फॉर्मूला जो यूज़ किया था पिछले वाले वीडियोस में, वो क्या था हमारे पास, हमारे पास ये था कि cot θ होता है वो equal to 1 upon tan θ भी होता है। और ये जो फॉर्मूले जो बनते हैं हमारे कैसे बनते हैं, उस राइमिंग से, जो राइमिंग हमने याद की थी, जो 6 ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूले याद किए थे हमने, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के जो फॉर्मूले याद किए थे वहां से ये फॉर्मूले बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ। देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था हमारे पास, नेक्स्ट फॉर्मूला था हमारे पास बस sec θ = 1 upon cos θ। और यदि मैं नंबर 3 फॉर्मूले की बात करूं तो नंबर फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास, cosec θ = 1 upon sin θ। तो ये हमारे पास 3 फॉर्मूले हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे पास चौथे फॉर्मूले की तरफ, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये हर जगह आपके लिए काम आएगा। वो फॉर्मूला क्या है, देखिए क्या फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है sin²θ + cos²θ = 1। आज हम इस फॉर्मूले को भी प्रूव करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला बना कैसे है, एक्जैक्टली ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस फॉर्मूले को भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। हम चलते हैं पांचवें फॉर्मूले की तरफ, जो भी हमारे लिए, वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, क्या है, 1 + tan²θ = sec²θ। क्लियर है आप सभी को? अब देखिए इससे रिलेटेड इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला है। देखिए मैंने क्या किया था, इससे रिलेटेड इसका कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्मूला कैसे बना रहा हूँ, देखिए जब मैंने tan थीटा को यूज किया था तो cot θ का भी मैंने फॉर्मूला बनाया था इसको रिवर्स करके, तो बस उसी ढंग से मैं इसी फॉर्मूले को रिवर्स कर रहा हूँ। देखिए tan की जगह लिख रहा हूँ मैं cot θ,
क्या लिख रहा हूँ, कॉट स्क्वायर थीटा, तो इज इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। देखिए फॉर्मूले में कहीं पे भी चेंज नहीं है, फॉर्मूला दोनों से का सेम है, जहाँ टेन था वहाँ मैंने कॉट रखा, जहाँ सेक है वहाँ कॉसेक रखा। तो हमने ये भी देख रखा है कि कॉसेक का उल्टा साइन होता है, क्लियर आप सभी को, और साइन सेक का उल्टा कॉसेक होता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वहाँ पर ये फॉर्मूले काम आने वाले हैं। तो हम चलते हैं, ये जो चौथा नंबर जो फॉर्मूला लिखा है, चौथा नंबर फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये जो फॉर्मूला है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो एक बार देख लेते हैं ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो ये आया कहाँ से। यदि एग्जाम में यही फॉर्मूला आपको क्वेश्चंस में दे दे कि इसको प्रूव करके दिखा दीजिए तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देख लेते हैं। देखिए मैं ट्राइंगल ट्राइंगल ले रहा हूँ क्योंकि देखिए हमारे पास जितने भी ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलेज बनाए हैं या ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से रिलेटेड जितने भी हमने फॉर्मूले बनाए हैं वो सब किसके लिए है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। तो ट्रिग्नोमेट्री हमारे लिए बेस क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज। तो इस समकोण त्रिभुज के अंदर मैं जा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर मैं नाम रख रहा हूँ ए बी एंड सी। अब देखिए यहाँ पर भी थीटा है और यहाँ पर भी थीटा है, तो दोनों जगह थीटा है। तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से मैं किसी एक को थीटा मान लेता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको मान लिया थीटा, तो यहाँ पर मैंने थीटा रख लिया है। अब इसके अकॉर्डिंग यदि मैं पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखूँ, अब यहाँ पर मैं किसका लिख रहा हूँ, पाइथागोरस का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, पाइथागोरस थ्योरम्स लिखने जा रहा हूँ। तो पाइथागोरस थ्योरम्स क्या होती है हमारी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हिंदी में बोलूँ तो कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर इस एंगल के अकॉर्डिंग मतलब इस कोण के अकॉर्डिंग ये सामने वाला मेरे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, हिंदी में बोलूँ तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, बेस, तो इसको हिंदी में बोलते हैं तो आधार हो जाएगा। और ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। तो हमने यहाँ पे कर्ण लिख लिया, क्लियर आप सभी को। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास एंगल हो चुका है तो फटाफट इसकी वैल्यू रख लेते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से हाइपोटेनियस की जो लेंथ है वो क्या है, AC का स्क्वायर। अब जो बेस की बात करूँ मतलब आधार की बात करूँ तो वो मेरे पास है BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की बात करूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा, AB का स्क्वायर। क्लियर आप सभी को। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए मैं इस पूरी इक्वेशंस में ये जो मेरी लाइन लिखी हुई है इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, AC से डिवाइड करने वाला हूँ। AC से डिवाइड करके देखते हैं क्या आता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, वन चाहिए। अब देखिए मेरे पास यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला ही क्यों लगाना सोचा, मेरे दिमाग में ऐसा क्यों आया कि मैं यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूला ही क्यों लगाऊं। देखिए जब मैंने यहाँ पर लिखा साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, अब ये जो वन है ना, तो इस वन को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए मैंने आपको पहले भी बोल रखा है वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी वन आने वाला है, वन का स्क्वायर करेंगे तो भी वन आने वाला है, वन का स्क्वायर रूट करेंगे तो भी वन आने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो वन दिखता है इस वन को आप चाहे जैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब चाहे जैसे इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये जो वन लिखा है इसका मतलब यहाँ पर मैं स्क्वायर मान लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सब जगह स्क्वायर है तो मैं भी यहाँ पर स्क्वायर मान लिया। अब देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है और यहाँ पर भी स्क्वायर है, मतलब तीनों जगह स्क्वायर है। और एकमात्र ऐसा फॉर्मूला है जहां पर आपके तीनों जगह स्क्वायर मिलते हैं, मतलब आपको हाइपोटेनस में भी स्क्वायर मिलता है, बेस में भी स्क्वायर मिलता है और परपेंडिकुलर में भी स्क्वायर मिलता है, इसके साथ साथ इन दोनों के बीच में प्लस मिलता है। तो वहां पर मेरे को लगा कि यहां पर ये फॉर्मूला काम करेगा। तो आपको समझ में आ गया कि मैंने ये फॉर्मूला ही क्यों चूज किया है, क्योंकि यहां पर क्या है, तीनों जगह स्क्वायरिंग है। क्लियर आप सभी को। अब देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर मैंने लिख दिया, बेस का स्क्वायर लिख दिया, परपेंडिकुलर स्क्वायर लिख दिया। अब देखिए मैं पूरे में एसी का क्यों डिवाइड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मुझे क्या चाहिए, वन, हाइपोटेनियस की जगह क्या चाहिए, वन चाहिए। तो एक काम करते हैं ना, इस पूरी इक्वेशन को मैं एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूं। तो इस पूरी इक्वेशन को मैंने एसी के स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है, एसी के स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद देखते हैं क्या आता है, ठीक है। तो ये एसी का स्क्वायर नीचे और एसी का स्क्वायर ऊपर, तो ये दोनों तो हो गए हैं कैंसिल आउट। तो यहाँ पर तो मुझे मिल चुका है वन, अब मैं यहाँ लिखूंगा, देखिए यहाँ पर तो मुझे मिल गया है वन इक्वल टू, अब देखिए ये लिखा है ऊपर बीसी और नीचे लिखा है एसी का स्क्वायर और स्क्वायर। तो एक काम करते हैं दोनों का स्क्वायर बाहर ले लेते हैं, तो पीछे क्या बचता है, बीसी अपॉन एसी का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर। क्लियर आप सभी को, यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल चुकी है, मैंने स्क्वायर को बाहर ले लिया है। अब चलते हैं, देखिए ये बी सी अपॉन ए सी क्या लिखा हुआ है,
इस राइट एंगल ट्राइंगल में जाऊं, इस राइट एंगल ट्राइंगल में BC क्या है, यहाँ पर BC है हमारे पास बेस, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, BC तो हो गया है बेस अपॉन AC की बात करूं तो ये हो चुकी है हाइपोटेनियस, इसका मतलब क्या लिखा हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो चलते हैं हम राइमिंग की तरफ, एक तरफ एल ए एल अपॉन के के ए लाल बटे कक्का, और यहां पर क्या होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओके। तो यहां पर देखिए बेस अपॉन हाइपोटेनियस या बोलू आधार बटे कण, तो दोनों में क्या आता है, कॉस थीटा, तो इसकी जगह तो मुझे मिल गया है कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस। अब चलते हैं इधर, देखिए यहां पर लिखा है ए बी, ए बी इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में है परपेंडिकुलर, और AC क्या है, हाइपोटेनियस, इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब लंब बटे कर्ण, तो ये लिखा है देखिए लंब बटे कर्ण, और यहां पर भी लिखा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये होता है साइन थीटा, तो यहां पर मुझे मिल गया है साइन थीटा का स्क्वायर और इज इक्वल टू 1, तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल चुका है, फॉर्मूला बन चुका है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एग्जाम में इसका प्रूफ आ जाए एक नंबर के क्वेश्चंस में, तो आपको बहुत इजीली करना है, केवल राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है और उसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, उसके बाद इसका आंसर निकालना है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, ये जो हमारे पास 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, ये हमारे लिए यूज होंगे, लेकिन इसमें जो क्वेश्चन टॉपिक नंबर फॉर्मूला नंबर 1 फॉर्मूला नंबर 4 और फॉर्मूला नंबर 5 ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, तो इनको आप एक बार याद कर लीजिएगा कि ये फॉर्मूले कैसे आए हैं, और इसको एक बार मेमोराइज कर लेना क्योंकि ये फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे आइडेंटिटी की तरफ, आइडेंटिटी की तरफ देखिए पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन आपको इस ढंग से मिलेंगे, या फिर आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊं तो या तो आपको क्वेश्चन इस ढंग से मिलेंगे, आपको ये दे रखा होगा और इसको क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा या इसकी वैल्यू दिखानी पड़ेगी। तो आपके पास जब भी इस प्रकार के फॉर्मूले वाले क्वेश्चन आ जाए, मतलब इस तरह के आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन आ जाए, तो इनको सॉल्व करना है तो आपको जो मैं बता रहा हूं, मतलब आपको कुछ रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अब ये जो रूल्स हैं, ये जो रूल्स है, मतलब कुछ नियम्स बता रहा हूं मैं आपको, ये नियम आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे, ना ही कोई और अदर बुक्स में मिलेंगे, ठीक है। ये रूल्स क्या है, कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने बनाए हैं, और ये जो स्टेप्स है आप इन स्टेप्स को फॉलो करोगे तो 100% आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा, जो आपको प्रूव करना है या आपको जो भी निकालना है वो आपको निकल जाएगा, क्लियर है आप सभी को। तो वो जो रूल्स क्या है, आप उनको रूल्स को थोड़ा ढंग से सुनिएगा, क्योंकि ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है, क्लियर है आप सभी को। अब देखिए रूल नंबर 1 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर रूल नंबर 1 क्या कह रहा हूँ, देखिए आपके पास कोई भी आइडेंटिटी लिखी होगी, या मैं सर्व समीकरण की बात करूँ, सर्व समीकरण लिखी होगी, तो आपके पास जो सर्व समीकरण होगी उसके अंदर कुछ LHS होगा और कुछ RHS होगा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, LHS या RHS, मतलब आपको क्या करना है, या तो LHS को प्रूव करके RHS में ले जाना है, या RHS को प्रूव करके LHS में ले जाना है, क्लियर है आप सभी को। तो या तो LHS को RHS में ले जाओ, या RHS को LHS में ले जाओ, तो इन दोनों में से आपको कौन सा प्रेफर करके सॉल्व करना है, या तो आप इस प्रोसेस को प्रेफर करो, या तो आप इस प्रोसेस को प्रेफर करो, तो इन दोनों में से वो वाला प्रेफर करना है, मैं जो बता रहा हूं सुनिए, इन दोनों में से वो वाला प्रेफर करना है जो आपको लार्ज दिखे, मतलब आपको जो बड़ा दिखे। अब इसमें बड़े दिखने का मतलब क्या है, देखिए मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले जाऊंगा, आपको फिर से ध्यान पड़ जाएगा, जैसे इसकी वैल्यू आएगी कुछ 5 आती है, चलो मान लेते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू 5 आती है, तो अब इन दोनों में से आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये वाला एक्सप्रेशन और एक इधर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर 5 हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन 45 लिख लेता हूँ, क्लियर है, ताकि आपको इजीली लग जाए कैसे करना है, ठीक है। एक एक्सप्रेशन यहाँ पर है, एक एक्सप्रेशन यहाँ पर है, तो इन दोनों में से उस एक्सप्रेशन को लेना है जो लार्ज है, तो यहाँ पर लार्ज क्या है, ये वाला है, यहाँ पर ये क्या है, स्मॉल है, तो आपको हमेशा क्या करना है, देखिए हमेशा आपको लार्ज टू स्मॉल में जाना है, स्मॉल टू लार्ज में नहीं जाना है, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है। देखिए
लार्ज टू स्मॉल बहुत इजीली तरीके से जाया जा सकता है, क्योंकि आपके पास ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले हैं या फिर आपके पास ऐसी बहुत सारी ट्रिक्स है जिसे हम बोलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेशंस बोलते हैं, या फिर आप इसका एलसीएम ले सकते हैं या आप रेशनलाइजेशन कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड्स है जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो बड़ा वाला एक्सप्रेशन है आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं। क्लियर आप सभी को? और यदि आप छोटा वाला एक्सप्रेशन लेंगे और उससे बड़े वाले एक्सप्रेशन में जाएंगे, तो छोटे वाले एक्सप्रेशन में आपको क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ मल्टीप्लाई या कुछ डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे इस एक्सप्रेशन है, ये छोटा सा एक्सप्रेशन है, इस बड़े वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, इसके साथ या तो एडिशन कीजिए या इसके साथ सब्ट्रैक्शन कीजिए, कुछ ऐसे टर्म्स एडिशन कीजिए या सब्ट्रैक्शन कीजिए या मल्टीप्लिकेशन कीजिए, आपको बहुत सारा एक्सप्रेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो वहां पर आपका जो माइंड है, वहां पर आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए आपको क्या प्रेफर करना है, हमेशा बड़ा वाला जो एक्सप्रेशन है उसको छोटे वाले एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो रूल नंबर वन आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि कहां से कहां जाना है, हमें क्या करना है, बिग जो एक्सप्रेशन है, मतलब मैं बड़ा वाला एक्सप्रेशन की बात करूं तो उसके उससे स्मॉल वाले एक्सप्रेशन में जाना है। मतलब क्या करना है, बड़ा वाला एक्सप्रेशन से छोटे वाले एक्सप्रेशन में जाना है। क्लियर आप सभी को? रूल नंबर वन हो गया, ठीक है। अब रूल नंबर टू चलते हैं। रूल नंबर टू मतलब हमारा जो प्रोसेस स्टेप नंबर सेकंड करना है, स्टेप नंबर वन को फॉलो किया, स्टेप नंबर सेकंड में चलते हैं। स्टेप नंबर सेकंड क्या बोल रहा है कि आपके पास कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हो, मतलब कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखा हो, उन सभी अनुपातों को आपको साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करना। अब ये साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का रीजन क्या है, देखिए साइन और कॉस में कन्वर्ट करने का रीजन ये रहेगा कि आपके पास जो एक्सप्रेशन होगा, जैसे कि यहां पर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये साइन और कॉस में कन्वर्ट है। मैं आपको एक और दिखाता हूं, देखिए ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये साइन और कॉस में नहीं है, ये किस में है, आपके पास सेक और टेन में है। यदि आप इसको सेक और टेन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपके पास इतने फॉर्मूले अभी नहीं है। आपको मैंने जितने भी फॉर्मूले लिखा है आप देख लीजिए पीछे जाके, वहां पर आपको साइन और कॉस से रिलेटेड सारे फॉर्मूले मिलेंगे। आपको टेन थीटा से रिलेटेड एक फॉर्मूला मिलेगा, ठीक है, और जो सबसे पहला फॉर्मूला जिसको मैंने स्टार मार लगाया था वो भी साइन और कॉस में है। इसके बाद में जो सबसे लास्ट वाला फॉर्मूला है 1 + tan² θ = sec² θ, बस आपके पास दो ही फॉर्मूले ऐसे हैं जो साइन और कॉस को नहीं करके टेन और कॉट में है। क्लियर आप सभी को? तो आपके पास जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो साइन और कॉस में अवेलेबल है। sin² θ = sin² θ + cos² θ = 1। इसके साथ साथ देखिए साइन और कॉस में आप जैसे ही इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये एक्सप्रेशन थोड़ा सा इजी बन जाता है। इस वाले जो एक्सप्रेशन है यदि आप इसको सॉल्व करेंगे ये भी आपके लिए इजी होगा, यदि आप इसको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ये भी आपके लिए इजी हो जाएगा। लेकिन यदि आप अभी बिगनर हो, मतलब आप ये भी स्टार्ट किए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी को सॉल्व करना, तो वहां पर आपको क्या करना है, इस एक्सप्रेशन को साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। साइन और कॉस में कन्वर्ट करते ये थोड़ा सा लार्ज हो जाएगा लेकिन एक्सप्रेशंस आपके लिए इजी हो जाएगा। क्लियर आप सभी को? तो रूल नंबर टू क्या करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अब चलते हैं रूल नंबर थ्री की तरफ, देखिए चलते हैं रूल नंबर थ्री की तरफ, ये रफ कर देते हैं, बिग टू स्मॉल हो गया, कन्वर्ट करना है हमें। अब चलते हैं रूल नंबर थ्री की तरफ। अब देखिए रूल नंबर वन लगा लिया आपने, क्या क्या एक्सप्रेशंस को बड़ा कर दिया, बड़े को लिया है, बड़े और छोटे में से, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड से में से कोई एक साइड ली है जो बड़ी है आपके लिए, और दूसरा स्टेप्स क्या है, आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अब रूल नंबर थ्री क्या है, आपके पास जितनी भी बेसिक्स नॉलेज है, बेसिक्स नॉलेज का मतलब क्या है, आपके जितने भी ऑपरेशंस आपको आते हैं, अब ऑपरेशंस का मतलब क्या है, आपको चाहे एडिशंस आता हो, सब्ट्रैक्शंस आता हो, मल्टीप्लीकेशन आता हो, डिवाइड आता हो, एलसीएम आता हो, या फिर रेशनलाइजेशन आता हो, हिंदी में बोले तो परिमेयकरण आता हो, तो वो सब आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आप रूल नंबर वन और रूल नंबर टू को फॉलो करोगे आपको वहां पे ऑटोमेटिकली एक्सप्रेशन इस ढंग से दिखेगा कि आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर एडिशन करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आंसर निकल जाएगा, या फिर आपको यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो आंसर निकल जाएगा। ऑटोमेटिकली वहां पर आपको ये जो बेसिक्स मैथमेटिक्स है वहां पर आपके लग जाएगा। क्लियर आप सभी को? रूल नंबर थ्री हो गया, अब रूल नंबर फोर क्या कहता है, देखिए यदि आपका राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में कन्वर्ट हो चुका है रूल नंबर थ्री तक तो इट्स ओके। अब यदि आपका वो कन्वर्ट नहीं हुआ है
तो वो कन्वर्ट नहीं हुआ है, तो उसके लिए आपको तीन फॉर्मूले अप्लाई करने पड़ेंगे। अब तीन फॉर्मूला कौन सा है देखिए, पहला तो है tan थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दूसरा क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए रूल नंबर थ्री को लगाने के बाद यदि आपका एक्सप्रेशन राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल नहीं आ रहा है तो इन तीनों में से कोई एक ऐसा फॉर्मूला अप्लाई होगा जिससे आपका एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड के इक्वल दिख जाएगा। तो ये जो तीन स्टेप्स है आप इन तीन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका जो आइडेंटिटी वाला जो क्वेश्चन है वो आपके बहुत ज़्यादा इजी हो जाएंगे, उसको बहुत जल्दी आंसर निकालने लग जाओगे। ठीक है, तो यदि आप इस स्टेप में से किसी एक भी स्टेप को मिस कर देते हैं तो फिर आपके कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में फंस जाओगे, या तो मल्टीप्लिकेशन में फंस जाओगे या फिर किसी और प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अब देखिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे स्टेप नंबर थ्री में है, देखिए जब कभी भी आपको रूट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिले, मतलब रूट के अंदर कोई भी एक्सप्रेशंस मिले, तो वहाँ पे डेफिनेटली हमेशा रेशनलाइजेशन होता है, क्योंकि मैं आपको पहले भी इससे प्रीवियस वाले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि रूट कभी भी यदि आपको रूट के नीचे डिवाइड दिखे, डिवाइड के नीचे रूट दिखता है तो वो क्या होता है आपको राइट नहीं कहला जाता है, तो उसको राइट करेक्शन करने के लिए मतलब एक स्टैंडर्ड रखने के लिए आप क्या करते हैं रेशनलाइजेशन करते हैं। तो आपको यदि क्वेश्चंस में इस ढंग से रूट के अंदर डिवाइड मिले तो आपको उसने में क्या करना है रेशनलाइजेशन करना है। तो ये कुछ नियम्स हैं, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और इसके रूल्स को अप्लाई करते हैं। देखिए ये हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसको रफ कर देते हैं, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया था। क्वेश्चंस कुछ इस ढंग से हैं, ये देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है और इसका आंसर निकालना है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर इज प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और यहाँ पर वैल्यू क्या है 63 और यहाँ पर 23। अब देखिए 27, तो यहाँ पर हमारे पास जो एंगल्स है इस एंगल्स की तो हमें वैल्यू पता नहीं है, तो हमें ये नहीं पता है। ठीक है, तो इसके साथ साथ देखिए हमारे पास ये तो एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा कि इसकी वैल्यू निकाल के हम टेबल में से वैल्यू रख सकते हैं, तो पहला स्टेप रॉन्ग हो गया। अब चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप क्या बोलता है, ये आइडेंटिटी का क्वेश्चन हो सकता है। तो आइडेंटिटी का क्वेश्चन कैसे हो सकता है, देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पर कॉस स्क्वायर आ रहा है, यहाँ से भी कॉस स्क्वायर आ रहा है। तो अभी तक हमने जितने भी फॉर्मूले पढ़े, मतलब जो मैंने पांच फॉर्मूले याद करवाए थे, यदि आप उन पांच फॉर्मूलों को भूल जाए तो हमारे पास जो स्टेप्स था उस स्टेप में जो सबसे नीचे वाला जो फोर्थ नंबर स्टेप्स था वहां पर हमने एक फॉर्मूले को याद किया था। वहां पर ये जो फॉर्मूला था वो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन। तो ये जो एक्सप्रेशन है कुछ मिलता जुलता इस तरह से दिख रहा है। देखिए ये जब मैंने एक्सप्रेशन बनाया था तब भी मैंने क्या किया था कि मेरे पास जो ओरिजिनल फॉर्मूला था कौन सा, पाइथागोरस फॉर्मूला, और ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये दोनों कुछ मिलता जुलता लग रहा था, तब मैंने इसको कन्वर्ट करके उसमें बनाया था। तो यहाँ पर भी देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर भी साइन, और ये पीछे वाला जो हमारे पास लिखा होता है ये तो हमेशा ऑलवेज थीटा ही होता है, तो ये दोनों कुछ मिलते जुलते दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये हो सकता है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये कैसे अप्लाई होगा। देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर 63 दिख रहा है लेकिन यहाँ पर तो 27 लिखा हुआ है और साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर तो हमें कॉस स्क्वायर चाहिए लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये दोनों तो सेम नहीं है, तो हमें इसको सेम बनाना पड़ेगा। अब देखिए सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। पीछे कैसे, हमने इससे पहले वाले लेक्चर्स में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में कुछ फॉर्मूले देखे थे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहता है कि आपको एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से दूसरे वाले ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में जाना है तो आप क्या कीजिए उस थीटा को 90 से माइनस कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, तो मैं क्या करूँगा साइन थीटा की जो वैल्यू है उसको 90 माइनस थीटा कर दूंगा। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, और इस स्क्वायर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि ये स्क्वायर इस टर्म से लिखा हुआ होता है साइन 27 का होल स्क्वायर, इस तरह लिखा होता है। तो मुझे क्या करना है, साइन 27 को यदि मैं कॉस 63 में कन्वर्ट कर दूं तो मेरा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको कन्वर्ट करने के लिए, एक दूसरे फॉर्मूले को कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है, पूरा कोणों का जो हमने पढ़ा था उसके बारे में है। तो अब यहाँ पर कन्वर्ट करके देखते हैं। देखिए
मुझे क्या निकालना है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, मैं क्या कर रहा हूं, साइन 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइन 90 माइनस 27 करेंगे तो यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगा, साइन 63 डिग्री, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos 63 के इक्वल हो जाएगा, किसके हो जाएगा, cos 63 का। इसका मतलब क्या हुआ, ये थोड़ा सा रफ कर देते वापस, देखिए यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पर हमें क्या मिला, ये जो sin 27 डिग्री लिखा है इसको मैंने 90 माइनस थीटा करने के बाद मेरे पास क्या मिला यहाँ पर, cos 63 डिग्री, और यहाँ पर पीछे स्क्वायर मिल चुका है पहला चीज। अब देखिए इसी ढंग से मैं, देखिए यहाँ पर या तो 17 को 73 में कन्वर्ट करूँ या 73 को किस में कन्वर्ट करूँ, 17 में कन्वर्ट करूँ, तो एक काम करते हैं मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर लिखा है cos 17 डिग्री इज इक्वल टू, मैं क्या लिखूंगा, साइन 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, क्लियर है आप सभी को, ओके। अब इसको कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास क्या बना है, साइन 73 डिग्री, क्लियर आप सभी को। अब देखिए यहाँ पर वापस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखते हैं और आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पर आंसर निकालने के बाद देखिए साइन 63 है, तो ये साइन स्क्वायर 63 तो अपनी जगह पर आ गया, प्लस अब ये देखिए साइन स्क्वायर 27 है, साइन स्क्वायर 27 को हमने कन्वर्ट करके क्या लिखा है, साइन कॉस 63 डिग्री, तो यहाँ लिखा है कॉस 63 डिग्री और यहाँ पर लिखा है मैंने स्क्वायर। अब ये स्क्वायर चाहे कॉस के ऊपर लगाऊं या पूरे के ऊपर लगाऊं, दोनों चीज सेम है हमारे लिए, अपॉन, अब देखिए कॉस 17 डिग्री, कॉस 17 डिग्री को हमने कन्वर्ट कर लिया है साइन 73 डिग्री में, तो मैंने यहाँ पर कन्वर्ट करके लिखा है साइन स्क्वायर, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, क्लियर आप सभी को, ओके। अब देखिए यहाँ पर मुझे ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ये साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, इस पूरे को थीटा मानते हैं हम, ठीक है, तो ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा है वो कॉस स्क्वायर थीटा। ऑटोमेटिकली हमें पता चल चुका है कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगने वाला है, यहाँ पर फॉर्मूला लगने वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर इक्वल टू इसका आंसर क्या आएगा, 1। नीचे चलते हैं, नीचे क्या लिखा हुआ है, देखिए यदि आप इसको थीटा वन मानते हैं तो ये चीज क्या लिखी हुई है हमारे लिए, थीटा टू, और ये भी चीज हमारे लिए क्या हो गई है, थीटा टू। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, साइन स्क्वायर थीटा टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा टू इज इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हुआ, 1/1, और 1/1 क्या हो गया, 1। तो इस तरह के थोड़े से इजी क्वेश्चंस आते हैं, आप इनको देख के घबराइएगा नहीं कि क्वेश्चन लिखा हुआ है बहुत लेंदी है क्या होगा, आपको बस क्या करना है, आपके जो बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं हम उन बेसिक्स फॉर्मूलों को याद रखिए और उन बेसिक फॉर्मूलों को। तो मिलते हैं अब हमारे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, जहां पर हम करेंगे और भी बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन और भी क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जिससे ये जो आपकी एक्सरसाइज है वो बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगी, और इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, यहाँ पे जितने फॉर्मूले लग रहे हैं, इन सभी को हम बहुत ही ज्यादा ईजी करने वाले हैं। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो लेक्चर के अंदर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।